नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग अलग करना। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं, यानी किसी भी मिश्रण में से पदार्थों को अलग अलग करना, यह पदार्थों का पृथक्करण। जैसे देखो, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव्य से चालने के द्वारा पृथक किया जाता है, यानी चाय बनाते समय जो चाय को है वो छलने के द्वारा अलग किया जाता है। और देखो, मक्खन, वो फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक किया जाता है, और फसल कटाई के समय अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। मक्खन को प्राप्त करने के लिए दूध या फिर दही को मंथन किया जाता है, और मक्खन को हम प्राप्त करने के लिए दूध या फिर दही का मंथन करते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा है कि रेशों से बीजों का पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं, यानी रेशों से बीजों को अलग प्राप्त करने के लिए हमें है वो कपास को ओढ़ते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। यानी आपने जो नमकीन दलिया या फिर पोहा खाया होगा, यदि उसके अंदर मिर्च है तो आप उसको अलग कर देते हो। यही है पदार्थों का पृथक्करण। कल्पना कीजिए कि एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फूलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? हाँ, यह सही है। यानी एक प्रकार के वो फल अलग टोकरी में रख देंगे और दूसरे प्रकार के फल अलग टोकरी में रख देंगे। ये देखो, आपको दिखा रखा है, दूध या फिर दही का मंथन करके घी निकाला जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या फिर अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों, तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा गिलास दिया जाता है, तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बिनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। यानी यदि आम और अमरूद तो बड़े पदार्थ है, उनको तो अलग अलग कर दिया, लेकिन यदि उनसे छोटे पदार्थों को अलग अलग करना हो तो क्या किया जाता है? यानी अगर आपको एक गिलास में रेत और नमक दे दे, तो उनको हाथों से अलग करना संभव नहीं है। जैसे देखो, क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक्करण करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 में व 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप अपने प्रत्येक क्या प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथककृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं? अब देखो, ऊपर देखो, जैसे आपको सारणी दिखा रखी है, यानी पृथक्करण प्रक्रम। चावल से पत्रों को पृथक करना। अब चावल से पत्रों को पृथक कैसे किया जाता है? देखो, उद्देश्य क्या है? देखो, जिसके लिए हम पृथक करते हैं, तो देखो, चावलों से पत्रों को पृथक करने के लिए देखो, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, ये उद्देश्य है। यानी दो भिन्न भिन्न पदार्थों को अलग अलग करना। हम ठोस अवयव को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। इन्हें मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या? अनुपयोगी अवयवों को दूर करना। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करना। देखो, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना, ये इसका उद्देश्य है। इन दोनों अवयवों को का उपयोग करते हैं। ये तो आपकी उपसारणी थी। अब देखो, हम देखते हैं कि किसी भी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसे मिश्रित
अनिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी पदार्थ को उपयोग करने से पहले उसमें जो हानिकारक या फिर अनुपयोगी जो पदार्थ है उनको अलग करने की आवश्यकता होती है। कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिसके हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, और कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी अलग करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ की तीन अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य, गैस में से कोई भी हो सकते हैं। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिसके गुण द्रव्य में अलग भिन्नता है। यानी पदार्थों के तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। अब हमें उनमें पृथक्करण करना है। तो देखो पदार्थों की मैंने पृथक्करण की विधियां अब आप ये आपको दे रखी है पृथक्करण की विधियां। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।